तो यहाँ पे आपको YouTube पे एक YT स्टूडियो में प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है एक साइड में, जैसा कि देख ही सकते हो आप लोग किसी भी वीडियो को। गाइस यहाँ पे अनलिस्ट में आते हो, गाइस यहाँ पे आप सभी दोस्तों को कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है जिसका नाम होने वाला है। यहाँ पे एक ऑप्शन बन के आता है। अब आप लोग जैसे गाइस यहाँ पे टैप टू करते हो, आप लोग देख सकते हो वॉच टाइम हो गया और वहीं पे दोस्तों यहाँ पे व्यूज हो गए, अर्निंग हो गया, सारा कुछ ऐड भी नहीं हो रहा। और यहाँ पे गाइस इंप्रेसर पे एक आइकन ऐसा बन के आ रहा है। अब इसके ऊपर जैसे ही आप लोग टैप टू करते हो, आपके सामने इस प्रकार की प्रॉब्लम है फेस करने को मिल रही है आपके दोस्तों यहाँ पे बैठे स्टूडियो पे आपके अपने वीडियो के अनलिस्ट में। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है वी आर गाइस यहाँ पे एक्सपेंस चेंजिंग और इशू विद द गाइस यहाँ पे सिस्टम फॉर रियल टाइम डाटा एंड दोस्तों यहाँ पे दिस माई कॉस्ट इंक्रीज व्यू गाइस। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू एंड गाइस यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, काफी बंदे लोग ये सोच रहे हैं आपकी वीडियो पे रिपोर्ट किया गया है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। और गाइस यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है वी आर गाइस यहाँ पे वर्किंग ऑन द इशू। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आप सभी दोस्तों को बताने वाले हैं। प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको इस चीज का आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट को लेने के बाद में आपका दोस्तों यहाँ पे काम है कंप्लीट हो चुका है। आपको फिर यहाँ से कट मारना है। कट मारने के बाद में सबसे पहले आपको अपने YT स्टूडियो को यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में आपको सर्च करना है YT स्टूडियो। यस गाइस, जैसे ही आप लोग YT स्टूडियो सर्च करते हो आपको चेकआउट कर लेना है आपका YT स्टूडियो है, अपडेट मांग रहा होगा। यस गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है अपनी यूट्यूब स्टूडियो को अपडेट कर लेना है सक्सेसफुली। गाइस यहाँ पे जैसे आपका YT स्टूडियो सक्सेसफुली अपडेट होता है आपका दोस्तों यहाँ पे काम है कंप्लीट हो चुका है। आपको YT स्टूडियो को अपडेट करना है, फिर उसके बाद में यहाँ से आपको कट मारना है। कट मारने के बाद में YT स्टूडियो के ऊपर प्रेस करना है, ये इन्फॉर्मेशन के अंदर आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको एक बार फोर्स स्टॉप करना है, देन आपको स्टोरेज पे आना है। यहाँ से क्लियर ऑल डाटा करने के बाद में आपको कट मारना है, आपको YT स्टूडियो ओपन करना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे YT स्टूडियो ओपन करते हो सारा कुछ एक्सेप्ट करना है एंड कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको फिर अपने एक वीडियो को सिलेक्ट करना है। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपको जाना है, आपको वही प्रॉब्लम है आपको फेस करने को फिर भी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको अब क्या करना है, आपको इस चीज का आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है आपको यहाँ से कट मारना है। आपको उसके लिए गाइस यहाँ पे ट्विटर को ओपन करना है जिसका नाम X डाला गया है। ट्विटर को ओपन करने के बाद में आपको जाना है यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है टीम यूट्यूब। ओके, आपको ऐसे यहाँ पे टीम यूट्यूब सर्च करना है। अब टीम यूट्यूब जैसे ही सर्च करते हो दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब का जो टीम का ऑफिशियली पेज आ जाएगा। आने के बाद में यहाँ से प्लस मारना है, पोस्ट वाले बटन पे टैप टू करना है और यहाँ से आपको ट्वीट करना पड़ेगा। ट्वीट में क्या लिखना पड़ेगा वो चीज आपको ध्यान देना है। सबसे पहले वही स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है जो आपने लिया था और यहाँ पे दोस्तों आपको पोस्ट करना है। पोस्ट करने के बाद में आपका काम है कंप्लीट हो चुका है, आपको वेट करना है। एंड दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक गाइस यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है 101% फिक्स आउट हो जाएगी कुछ ही गाइस यहाँ पे मिनट के बाद में। ओके, सो आई होप सभी लोग समझ चुके हो बाकी ये कोई प्रॉब्लम है, ये यूट्यूब की तरफ से आपकी कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ओके, आपको सिर्फ इंतजार करना है आपकी प्रॉब्लम में फिक्स आउट हो जाएगी। तो हम लोग मिलते हैं किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इतनी खुशी